आंख बंद करना चाहते हो बंद कर लो, फील करो। अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में आप खुद नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। अपने आप से बार बार बोलो भाई ना, ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, भाई ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहा है। बाहर से दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी सबकी आदत है शो ऑफ। अंदर से खोखले हैं, बाहर से पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, जैसे उससे कुछ होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, इंपॉर्टेंट ये है, इसको ध्यान से समझना कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हैं। अकेले में 24 घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो, जो आप अपने बारे में सोचते हो, वैसा ही आपके साथ में होता है, क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शन होते हैं, उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है। शीशे में अपनी शक्ल देख रहे हो और अपने बारे में कुछ सोच रहे हो तो शीशे में देख करके अपने आप को क्या बोल रहे हो, जो बोलोगे वैसा ही आपके साथ होने लग जाएगा। उसी लेवल का कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में नजर आएगा, वो जुनून नजर आएगा, वो फितूर नजर आएगा, वो पैशन नजर आएगा। कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए। इस बात की डेप्थ पकड़ पा रहे हो जो बात मैं बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, कोई थ्योरेटिकल बातें नहीं कर रहा। आप खुद को जिस नजर से देखते होगे वैसी ही एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है। बड़ा सिंपल है, अगर ये चीज अंदर तक बैठ गई आपकी आंखों में चीज नजर आने लग गई, आपके एक्शंस में चीज धीरे धीरे उतरने लग गई, लोगों को दिखने लग गया, तो रास्ते अपने आप। दुनिया से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को खुद ये देखना है कि मैं खुद अपनी नजर में क्या हूं। और जेन्युइनली बता रहा हूं, अगर खुद आप अपनी नजर में बन गए तो आपके जो एक्शंस होंगे, आप जिस तरह से बोल रहे होंगे, आपके साथ में जो लोग होंगे उनको कुछ अलग ही नजर आएगा आपके अंदर। यू विल बिकम लाइक अ मैग्नेट, ऑनेस्टली बता रहा हूं। तो चाहे आप कैसे होते हैं, अंदर से इंस्पायर्ड कैसे होते हैं, हमारे अंदर से एनर्जी कैसे निकलती है, रेडिएट कैसे करती है एनर्जी। एक है आप अंदर से एनर्जी लगा रहे हैं, एक है अंदर से एनर्जी निकल रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप चुपचाप भी बैठे होंगे किसी के साथ में, लेकिन आपकी आंखों में कुछ नजर आ रहा है, इस दुनिया को एक स्पार्क नजर आ रहा है, वो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है। अभी बोलने में थोड़ा अजीब भी लगेगा, हो सकता है, बट मेरे साथ साथ में आप बोलोगे और इससे क्या होगा उसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। बट एक बार बोलते हैं, एक बार साथ में और अंदर तक फील करके बोलना, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बोलना, मुंह से नहीं बोलना, मुंह से तो बहुत कुछ बोलते हैं, एक है अंदर से कन्विक्शन के साथ बोल रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ बोल रहे हैं, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। फील करो, आप बंद करना चाहते हो बंद कर लो, फील करो। ये कोई छोटी चीज नहीं होती, अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में आप खुद नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या फील करके, ठीक है ना, मैं पूरा फील करके बोलूंगा, आपको मेरे साथ साथ में फील करके बोलूंगा, इसको फील करना इंपॉर्टेंट है। आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट, आई एम the greatest person ever born on this planet, I am the greatest person ever born on this planet, I am the greatest person ever born on this planet, I am the greatest person ever born on this planet, ever born on this planet, I am the greatest, I am the greatest, I am the greatest, nobody can stop me. ये अपने अंदर लेकर के आ जाओ। इससे होगा क्या? अगर आप ये कर पाए तो अपने आप को शीशे में देखा और बोला I am the greatest person ever born on this planet. Ever का मतलब समझते हो? मतलब एक तो हमने बोलते हैं प्लैनेट के ऊपर, मतलब जो 700 करोड़ लोग हैं उसमें से ग्रेटेस्ट कौन है? मैं। बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर से, हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर इसलिए ऐसे बन नहीं पाते। देखो अगर अपने माइंड में कुछ चिन्नी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, कुछ बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, तो सोचना ये तो बड़ा ही सोचते हैं ना, थोड़ा बड़ा क्यों सोचना है, सोचना है तो पूरा ही बड़ा सोचते ना। तो क्या होगा अगर ये बात आपके अंदर उतर गई, आपने शीशे में अपने आपको देखा और बोला आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट एवर, मतलब पिछले हजारों लाखों सालों में जितने भी लोग आए हैं, करोड़ों अरबों लोग आए, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो ऐसा कुछ आना चाहिए आपके अंदर से। ग्रेटेस्ट पर्सन मतलब क्या? कि जब मेरे अंदर से जो आ रहा है तो आई हैव द करेज टू गो फॉर इट नो मैटर व्हाट, देन यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। आप जो भी काम करोगे अगर अंदर तक ये बैठ गया आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, तो पागलों की तरह आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। क्योंकि लोग ऐसा नहीं बोलते,
बोल ही नहीं सकते, डर लगता है बोलने में, हिम्मत ही नहीं है बोलने की। तो आपके पास में दो चॉइसेस है, एक तो ये है कि आप अपने से जो ज्यादा पावरफुल लोग हैं उनके साथ जाकर के लाइफ में जुड़ते रहो, या खुद पावरफुल हो जाओ। जब इस तरह की सोच बनती चली जाएगी तो एक्चुअल में आप कुछ कमाल कर जाओगे, और कुछ कहा नहीं जा सकता, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, वो होंगे जिनके अंदर ये बात, जिनके दिल में और दिमाग में ये कीड़ा घुस गया है, आई एम द ग्रेटेस्ट, मतलब मेरे अंदर कुछ हिडन पावर्स है जो हो सकता है अभी मुझे खुद को भी पता नहीं है, मैंने उसको डिस्कवर नहीं किया है, लेकिन है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कोई भी किसी से कम नहीं, जैसा जो सोच रहा होता है वैसा ही वो बन रहा होता है। अगर आपका बिलीफ है, अब मेरे को एक बड़ी मजेदार सी चीज याद आती है, मेरे एक आइडल होते थे, तब मैंने बिजनेस अपना नया नया शुरू किया था और उनका बहुत बड़ा बिजनेस था और 25 साल से वो बिजनेस कर रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि मैं ना आने वाले 5 साल के अंदर अंदर एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दूंगा, एक अमाउंट फिक्स हुई और वो मैंने उनको बोला, तो हंसने लग गए, कहते बेटा ऐसे नहीं होता, और प्लस उन्होंने सारा समझा कि भाई तू क्या करता है, क्या रिसोर्सेस है, मैंने मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है आज, लेकिन मुझे ये पता है कि ये चीज होगी, उस टाइम पे कैसे होगी मुझे ये भी नहीं पता था। तो उन्होंने जब मना कर दिया तब भी मेरे अंदर का वो जो बिलीफ था वो फेथ था, क्योंकि मैंने कुछ और मान लिया था, उनकी जो एक्सपीरियंस था, उनकी जो थिंकिंग थी, उनका माइंड था, वो कह रहा था कि नहीं संदीप नहीं कर पाएगा, मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा माइंड था, वो भी कह रहा था कि नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अंदर का फेथ था, जो बिलीफ था कि नहीं तू कर जाएगा, कैसे करेगा पता नहीं, और फिर कर गया। एग्जैक्ट जो मैंने टाइम अपना फिक्स किया था कि 5 साल बाद ये चीज इतनी बड़ी होगी, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज होगी। सो अपना जो मांगते हो ना आप, जिसको बोलते हैं ना फेथ, जो भगवान से मांगते हो, थोड़ा सोच समझ के मांगो, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। अगर आप गलती से भी ये मांग रहे हो कि यार कहीं मुझे टाइम ना लग जाए, तो टाइम लगेगा, जो आपके अंदर से आ रहा है ना, मैं बस इतना कह रहा हूं आपको कि आप जो भी मांगोगे दिल से वो आपको मिल जाएगा। आप ये मांगते हो कि 1 साल के अंदर अंदर मेरा एक ऐसा बिजनेस होगा जो संदीप महेश्वरी से 1000 गुना बड़ा होगा, ठीक है, और साथ में मैं वो भी कर रहा हूँ जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपके मन में डाउट है कि होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, मगर अगर आपने मान लिया कि ये होगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। मेरे जैसे 1000 लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप कर जाओगे, कैसे करोगे पता नहीं, मतलब फेथ उसी को कहते हैं ना कि आपको पता ही नहीं होगा कैसे होगा क्या होगा, बट वो हो जाए। आपके ऊपर है, आप 50 साल मांगो या 1 साल मांगो या 5 महीने मांगो, मांगने के ऊपर है, जहां पे आपको विश्वास हो सके, तो जो आपको रीजनेबल लगे, जहां तक आप हजम कर सकते हो, जहां तक आपको लग सकता है कि हाँ ये चीज हो सकती है, उसको मान लो, उसको बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, आसान है 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 आसान है, बोलते जाओ पागलों की तरह कि होगा 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 होगा, 4 साल के अंदर अंदर ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा ये भी होगा, जो घर वाले चाहते हैं वो भी होगा, शादी भी होगी ये भी होगा, बिजनेस भी होगा, और साथ में उस बिजनेस में इतना पैसा भी होगा, उसको लेकर के मैं इतना बड़ा ये सेटअप करूंगा जो इंडिया का सबसे बड़ा, ये भी होगा। अब अगर आप मान गए तो वो हो जाएगा, ये छोड़ो कैसे होगा, गारंटेड हो जाएगा, मैं भी लिख करके ब्लैंक पेपर पर साइन करके दे देता हूँ, हो जाएगा। दुनिया बोलती है छोड़ दो दुनिया को, क्यों क्या बोलते हैं होगा या नहीं होगा। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहोगे। जिंदगी में आपको बस वही मिलेगा जिसके मिलने का आपको पूरा यकीन होगा। विश्वास ही वह बीज है जिसका फल आपको भविष्य में मिलेगा। आपका वर्तमान आपके भविष्य का ही दर्पण है। आज तक आपको जो भी मिला है वो विश्वास के दम पे ही मिला है। भविष्य में जो भी मिलेगा वो विश्वास के दम पर ही मिलेगा। आपके अटल विश्वास से आपकी एनर्जी उस लेवल पर पहुंच जाती है जो लेवल आपके सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। विश्वास के कारण ही प्रार्थनाएं फल देती हैं। विश्वास की अनंत शक्ति हम सभी के भीतर मौजूद है। जागृत होने पर यह आपको चमत्कृत कर देगी। प्रार्थना और विश्वास के बीच गहरा संबंध होता है। विश्वास के बिना प्रार्थना सिर्फ शब्द है। विश्वास से की गई प्रार्थना से गहरे परिणाम मिलते हैं। विश्वास की भावना हम सभी में होती है, लेकिन यह प्रकट नहीं हो पाती है। अपने अंदर के विश्वास को पनपने दें, विश्वास को मुक्त होने दें, इसे मजबूत होने दें। विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं, इसे तो बस साकार करने की जरूरत है। दुनिया में कहीं भी जो चमत्कार हो रहे हैं वो विश्वास के कारण ही हो रहे हैं। आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी अगर आपका विश्वास पूर्ण होगा। पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। शायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। विश्वास तुम्हारी शक्ति है। अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको निश्चिंत होना होगा कि आप इसे प्राप्त करेंगे।
को खुद पर विश्वास करना होगा। विश्वास परिणाम को नियंत्रित करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज आपके बारे में क्या बोलता है, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आपका दिल आपके बारे में क्या बोलता है। जितना बड़ा सपना होगा उतना बड़ा त्याग करना होगा। पत्थरों पर सोना होगा, अंगारों पर चलना होगा। चोट लगेगी, दर्द होगा, पर आपको चलते जाना है। जंगल के राजा शेर की तरह, जिसे भरोसा होता है अपनी भुजाओं पर और जिसकी निगाह होती है अपनी मंजिल पर, वो जानता है कि वो कर सकता है, इसीलिए वो जंगल का राजा होता है। शरीर कमजोर होने से कुछ नहीं होता, इरादा मजबूत होना चाहिए। ये कायनात आपके सारे सपने पूरे कर देगी, आपके सारे सपने, अगर आप पूर्ण विश्वास कर पाए तो। हर जुबान पे एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना तू डट कर, तू देखना एक दिन समय भी तेरा गुलाम होगा। जितनी तेजी से तुम सफलता को अपना बनाने के लिए भागोगे, सफलता भी उतनी ही तेजी से तुम्हारे पास आने के लिए दौड़ लगाएगी। हालात ऐसे न रखो जो आपके सपने बदल दें, मगर सपने ऐसे रखो जो आपके हालात बदल दें। अब मानो या ना मानो, पर दुनिया के सारे धर्मों के सारे ग्रंथों का सार यही है कि ईश्वर हमारे अंदर है, वह अनंत शक्ति हमारे अंदर ही है। मन के विश्वास से अचेतन मन की शक्ति बढ़ती है, यही वो शक्ति है जो सारे चमत्कार करती है। बस आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। शेर किसी सिंहासन की खोज में नहीं जाता है, वो जहाँ बैठ जाए वहीं सिंहासन हो जाता है। जंगल का राजा होता है शेर, लेकिन याद रखिए, शेर न तो जंगल का सबसे ऊंचा जानवर है, न ही सबसे लंबा जानवर है। शेर न तो जंगल का सबसे बड़ा जानवर है और न ही सबसे बुद्धिमान जानवर है, फिर भी वो जंगल में राज करता है। यहाँ फर्क पैदा करता है उसका एटीट्यूड। जानवर उसका रिगार्ड करते हैं, उसे जंगल का राजा कहते हैं। यही बात हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। जिंदगी की लड़ाइयाँ हमेशा तेज बुद्धिमान या शक्तिशाली लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे पूरा यकीन है कि वो जीतेगा। ये कोई छोटी चीज नहीं हो रही है। अगर ये अंदर तक चली गई तो क्या होगा आपकी लाइफ में, आप खुद नहीं सोच सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते क्या होगा।